एक गांव में औरतों के नाखून गायब होने की घटनाएं हो रही थी। जब भी रात होती, एक चुड़ैल गांव में आया करती और जिसके भी नाखून अच्छे होते उसे चुरा लिया करती थी। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक दिन रात में सभी गांव वाले सो रहे थे, तभी चुड़ैल आती है और राखी के घर में घुस जाती है और उसके नाखून चुरा लेती है। अगले दिन सुबह जब राखी उठती है तो देखती है कि उसके नाखून गायब हैं और उसके जगह खून निकल रहे हैं। अरे नहीं, मेरे नाखून कहाँ गए और ये खून, कितना दर्द हो रहा है। अरे राखी, क्या हुआ और ये तुम्हारे नाखूनों से खून कैसे निकल रहा है? देखो ना, पता नहीं ये क्या हो गया है। मेरे कितने सुंदर नाखून थे, मैंने कल ही पार्लर से इन्हें सुंदर सजवाया था और ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं तो आराम से सो गई थी, तब तो ये ठीक थे। राम को कुछ समझ में नहीं आता है कि राखी के साथ क्या हुआ है। वो अपने दोस्त रोहन के घर जाता है। अरे भैया, आप आओ आओ, भाभी को भी ले आते, अकेले अकेले ही आ गए। नहीं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ भाभी को? राम उसे सारी बात बताता है। हाँ यार, कल भी एक दोस्त मिला, वो भी यही बता रहा था। पता नहीं आखिर क्या हो रहा है। चमेली, तुम भी ध्यान से रहना। अजी क्या कह रहे हो, मुझे तो अपने बालों, नाखूनों और अपने शरीर की हर एक चीज से बहुत प्यार है। डरो नहीं आप, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। फिर एक चुड़ैल उड़ती हुई गांव में आती है। चुड़ैल पूरा गांव घूमती है लेकिन उसे कहीं सुंदर औरत दिखाई नहीं देती है जिसके नाखून सुंदर हो। लगता है नाखून की चोरी की घटनाएं ज्यादा होने के कारण लोग चौकन्ने हो गए हैं और मुझे अब पता भी नहीं चल रहा कि किसके नाखून लंबे और सुंदर हैं। चुड़ैल उस रात मायूस होकर वापस जा रही होती है, तभी उसे एक ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। अरे वाह, मिल गया आइडिया, अब मैं इस ब्यूटी पार्लर पे ही ध्यान रखूंगी और जो औरत यहाँ से अपने नाखूनों को सही करा के निकलेगी उसी को अपना शिकार बना लूंगी। फिर अगले दिन चुड़ैल ऐसा ही करती है। रीमा ब्यूटी पार्लर से सत्स्वर कर निकलती है। वो और उसके नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये सब चुड़ैल देख लेती है और आधी रात को उसके घर पहुंच जाती है और उसके नाखून चुरा लेती है। रीमा के हाथों से खून निकलने लगता है और दर्द से उसकी आंखें खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? अरे अरे, मर गई रे, इस नास मीठी ने तो मेरे नाखून ही ले लिए। आज ही मैंने इन्हें इतना सुंदर सजवाया था। तभी चुड़ैल चली जाती है। अरे रुक जा, नास मीठी कहाँ जा रही है? मेरे नाखून लेकर उड़ी जा रही है। अरे रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल का पीछा करने लगती है लेकिन चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। तभी राहुल भी वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीमा, तुम यहां चिल्लाते हुए क्यों आ गई? अजी देखिए ना, चुड़ैल मेरे सारे नाखून ले गई, अब मैं क्या करूं? तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल ने तुम्हें और कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? चलो कोई बात नहीं, अभी तुम चुप हो जाओ और अब चलो यहाँ से, वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए, यहाँ हमारी जान को खतरा है। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रीमा की नाखून चुड़ैल ले गई। सभी आदमियों को अपने पत्नियों की चिंता होती है और घर जाके वे अपने पत्नियों को समझाते हैं कि सही से रहना। अरे आप डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है और राहुल से जाकर मिलता है। अरे राहुल भाई, भाभी के बारे में पता चला, बहुत बुरा लगा, लेकिन ये सब कर कौन रहा है वो नहीं समझ आ रहा। हाँ यार, क्या करूँ, जब से रीमा के नाखून गए हैं उसने तो रो रो कर पूरा घर सर पे उठा रखा है। तुम भी भाभी का और अपनी बहन पिंकी का ध्यान रखना। वैसे भी भाभी को सजने संवरने का बहुत शौक है। हाँ, मैं भी अभी उसे यही बोल कर आया हूँ कि ज्यादा सजो संवरो मत, पर क्या करें, ये औरतें किसी की कही सुनती हैं।
फिर रात हो जाती है। रोहन अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वह उठकर कमरे से बाहर आता है तो उसकी बहन पिंकी भी बाहर ही खड़ी होती है, लेकिन उसकी पत्नी चमेली कहीं दिखाई नहीं देती है। पता नहीं भैया, भाभी तो आपके साथ सो रही थी ना, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, जैसे ये सब तुम ही कर रही हो, नाखून चोर तुम ही हो। अरे कहीं चुड़ैल ने इस बार चमेली को ही अपना शिकार तो नहीं बना लिया। चलो चलो बाहर चलकर देखते हैं, आओ जल्दी। बाहर एक औरत बहुत रो रही होती है। अरे नहीं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, चुड़ैल मेरे नाखून ले गई, हाय रे। अरे भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं रोहन, कुछ भी ठीक नहीं, आज इन भाभी के वो चुड़ैल नाखून ले गई, बहुत बुरा हुआ इनके साथ भी। अरे नहीं नहीं, मुझे चमेली को ढूंढना होगा, पता नहीं वो कहाँ है, मिल ही नहीं रही, कहीं चुड़ैल उसे पूरा ही तो उठा के नहीं ले गई। फिर वो यहाँ वहाँ चमेली को ढूंढने लगता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि चमेली अपने नाखूनों पे नेल पेंट लगा रही है और उसके नाखून पहले से और ज्यादा लंबे हो गए हैं। चमेली कुछ नहीं बोलती है और मुस्कुराते हुए अपने नाखूनों पे नेल पेंट लगाती रहती है। फिर अगले दिन सब्जी बेचने वाली गाँव में आती है और गाँव की सभी औरतें वहाँ पे इकट्ठा होती है। जब गांव की औरतें चमेली के लंबे नाखून देखती हैं तो वे दंग रह जाती हैं। अरे चमेली भाभी, आपके नाखून तो बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए हैं। हाँ सही कहा, मैंने तो आज तक इतने लंबे नाखून किसी के नहीं देखे, नकली है क्या भाभी? आह नहीं नहीं, ये असली है, एकदम असली, मैं इनका बहुत ध्यान जो रखती हूँ। तभी चमेली की ननद पिंकी भी वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, भाभी के नाखून एकदम असली है, मैं ही तो भाभी के साथ घर का सारा काम करवाती हूँ ताकि ये टूट न जाए, तभी तो ये इतने लंबे हैं। फिर सारी औरतें अपने अपनी पतियों को चमेली के नाखून के बारे में बताते हैं। पूरे गांव में चमेली की ही चर्चा हो रही थी। रोहन सबकी बातें सुन लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी पत्नी के बारे में लोग बुरा भला बोल रहे हैं। फिर वह अपनी बहन से भी पूछता है लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती है, जिसके बाद रोहन राहुल के पास जाता है। राहुल भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब लोग चमेली को ही चुड़ैल बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे पता करूं कि आखिर बात क्या है? भाई तू भाभी पे नजर रख, रात में सोना मत आज, फिर देख। फिर दोनों मिलकर रात में चमेली पर नजर रखते हैं। आधी रात होते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है और चमेली उठकर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते चमेली एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। ये सब देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी रोहन की बहन वहां आ जाती है। भैया आज आपको सब पता चल ही गया, तो मुझे भी बचा लो। भाभी वो चुड़ैल है जो सबके नाखून चुरा रही है और मुझसे डरा धमका कर सारा घर का काम करवाती है। ताकि उनके नाखून टूटे नहीं और लंबे होते जाएं। उनकी शक्ति उन नाखूनों में है, अगर वो कट जाए तो भाभी चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाएंगी। फिर वे सब चमेली के पीछे जाते हैं। चमेली एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल लग रही थी। वाह, इसके नाखून तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें चुरा लेती हूँ। तभी वहाँ रोहन और राहुल पहुँच जाते हैं। अच्छा तो तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल ही गई। लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे, मेरे नाखूनों के साथ मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं इन्हें बढ़ा रही हूँ। बस आज ये आखिरी शिकार है, उसके बाद तुम्हारी चमेली का शरीर मेरा हो जाएगा और मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तभी पिंकी गांव की सभी औरतों को लेकर आ जाती है और चुड़ैल को पीछे से पकड़ लेती है। भैया जल्दी से चुड़ैल के नाखून काट दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, नहीं ऐसा मत करना। रोहन चुड़ैल के नाखून काट देता है। नाखून कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और चमेली फिर से ठीक हो जाती है।